हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज कमलदीप सिग्नेचर। और आज नंबर थ्योरी के अंदर आपके लिए 3 और 4 एग्जांपल का आज एक पूरी कॉम्बो वीडियो होगी। लेकिन अभी तक हम एक एग्जांपल करते थे, लेकिन आज 4 एग्जांपल्स का टारगेट है। सो कृपया इस वीडियो को फुल देखना, और यहाँ पर एक माध्यम बनेगा इस वीडियो को शेयर करने का, बिकॉज नॉलेज को शेयर करेंगे दैट इज तभी वो हमारे माइंड में रहेगी। वट आई एम डूइंग हेयर, आई एम लर्न दिस। ठीक है, हमसे पहले मैंने लर्न किया, फिर मैंने खुद पर अप्लाई किया, मार्क्स मुक्स ले, अभी आई एम शेयरिंग विद यू। ठीक है, सो आपको भी सेम फॉलो करना है। तो जहाँ पर सबसे पहला हमारे पास क्या है, दैट इज सोल्यूशन देखते हैं इसका, और इसका प्रूफ कह देते हैं, दैट इज अ प्रूफ। हमें क्या करना है कि इफ ए बी का जीसीडी डी है, तो हमें प्रूव करना है ए ओवर डी एंड बी ओवर डी का जीसीडी 1 होना चाहिए। काफ़ी आसान आर्टिकल है। ठीक है, तो कैसे करना है हमारे पास, सबसे पहले इसका डी दिया हुआ है हमारे पास, तो गिवन से स्टार्ट करेंगे। गिवन ए एंड बी का जीसीडी कितना है, डी। इसका मीनिंग क्या होगा, डी ए को डिवाइड करेगा एंड डी बी को भी डिवाइड करेगा। कल भी मैंने आपको बोला था कि यदि डी ए को डिवाइड करता है, इसका मीनिंग ए का, इसका मीनिंग ए इज मल्टीपल ऑफ डी होगा। डी बी को डिवाइड करता है, इसका मीनिंग बी इज अ मल्टीपल ऑफ डी होगा। इसका मीनिंग आप क्या कर सकते हैं, ए कैन बी रिटन एज डी इंटू सम इंटीजर, सो यू कैन चूज एनी इंटीजर, से एल हमारे पास है, एंड बी इज अ मल्टीपल ऑफ डी, इसका मीनिंग बी इज मल्टीपल ऑफ डी इंटू सम इंटीजर एम। ठीक है, जहां पर एम हमारे पास आ जाएगा, तो वेयर आपके पास जो एल एंड एम क्या है, दीज आर दी इंटीजर्स। ठीक है, ऐसा हमने कर लिया नंबर 1, यहां तक तो आपका हो जाएगा। उसके बाद अगेन हमें तो ये प्रूफ करना है, कैसे करेंगे, अगेन हमारे पास क्या है, ए कॉमा बी का जीसीडी कितना है, डी। तो बाय डेफिनेशन ऑफ जीसीडी, तो देयरफॉर बाय डेफिनेशन, ठीक है, देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, हमारे पास क्या होगा, इफ जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल टू डी है, तो हमारे पास क्या होगा, देयर एग्जिस्ट, हमारे पास इंटीजर्स होंगे, देयर एग्जिस्ट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू डी होगी। सो सिंपल, हमें पहुंचना जहां तक है, लेकिन जहां पर पहुंचेंगे कैसे वो पता चल जाएगा। तो जहां पर आपने यदि पहुंचना है, तो उसके बाद अभी मैंने ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू डी लिखा है, आपने क्या करना है, जस्ट इस ए को यूज करना है, जहां पर इस बी को यूज करना है, जहां पर इसका मीनिंग आपका क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू डी एल एक्स, और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगी, डी एम इंटू वाई इज इक्वल टू डी, टेकिंग डी कॉमन, सो यू हैव एल एक्स प्लस एम वाई इज इक्वल टू डी, डी से डी आपका कट जाएगा, बी लेफ्ट विद एल एक्स एम वाई इज इक्वल टू 1, हम जहां तक पहुंच चुके। सो जैसे हमने जे डेफिनेशन लगाई थी कि यदि हमारा जे सी डी इसका डी है, तो देयरफॉर दिस रिप्रेजेंटेशन होल्ड, और इट इज इफ एंड ओनली फॉर, तो ये बैक भी चलता है। कभी भी आपके पास कोई ऐसे दो नंबर्स है जिनकी लीनियर कॉम्बिनेशन विद इंटीजर कुछ नंबर है, तो उन नंबर का जी सी डी वही नंबर होता है। तो जहां से हमारे पास क्या होगा, एक्स और वाई, आपके पास एक्स वाई का जीसीडी भी 1 है, और एल एम का जीसीडी भी 1 है, एल एक्स का जीसीडी भी 1 है, सॉरी एल एम, तो आप कोई भी पेयर जो आपका मन करता है वो उठा लीजिएगा। ठीक है, हर एक पेयर के लिए ये सेटिस्फाई करेगा, लेकिन हमें चाहिए कौन सा, हमें तो जहां तक पहुंचना है, तो मैं इसमें से कौन सा नंबर उठाऊं। तो अभी मैंने यहां पर स्पेस छोड़ी थी, इसको हम स्टार मार्क कर लेते हैं, इसको मान लीजिए आप डबल स्टार। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग दोनों से करेंगे। फ्रॉम स्टार देखना, हमें जो चाहिए था L की वैल्यू निकालो, जहां पर L की वैल्यू कितनी आ रही है, आप L इज इक्वल टू व्हाट, L इज इक्वल टू व्हाट, A ओवर D, एंड M इज इक्वल टू व्हाट, B ओवर D। अरे वाह, मेरा तो अभी माइंड घूम गया कि L तो A ओवर D है, M B ओवर D, और मुझे प्रूफ भी तो इनों का GCD करना है, तो इसमें से मैं कौन सा उठाऊंगा। तो फ्रॉम डबल स्टार आपने क्या कर देना है कि L कॉमा M का GCD कितना है, 1। देखिए, जहां से आपका L M का और एल वाई का, एक्स एम का और एक्स वाई का, इन सभी के जीसीडी आपके पास 1 नहीं होंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इन सभी के जीसीडी कैसे होंगे, 1 नहीं होंगे। ऐसा कोई भी पेयर नहीं होगा जिसका जीसीडी 1 से अधिक कुछ और चेंज होगा। ठीक है, सो यू हैव नो नीड टू बरी। लेकिन हमारे काम की बात क्या थी, वो एल एम था, वो हमने लिख लिया। सो विच इम्प्लाइज हमारे पास क्या होगा, एल की वैल्यू पुट करो ए ओवर डी, एम की वैल्यू पुट करो बी ओवर डी इज इक्वल टू 1, एंड हैंस वी प्रूव द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ टूडे। तो इस वीडियो को ध्यान से करना, यदि आपने स्किप करने का सोचा, तो लास्ट में एक छोटी सी अनाउंसमेंट करनी है कि आपको कल इसकी और वीडियोस कैसे मिल सकती है, क्या एक माध्यम है जिससे आपको इस लेक्चर, इस नंबर थ्योरी की मैक्सिमम वीडियोस मिल सके, तो उसे सुनने के लिए थोड़ा सा वेट करना, वो मैं जहां पर मेंशन करने वाला हूं। अदरवाइज हम कल
कम कर पाएंगे, लेकिन आप यदि फॉलो करेंगे उस माध्यम को, उस रूल को, देन वी विल डू डेफिनेटली वेल। ठीक है, तो आज का जो सेकंड एग्जांपल है वो हमारे पास क्या है, इफ सी डिवाइड ए, सी डिवाइड बी, ए ओवर सी एंड बी ओवर सी का जीसीडी 1 है, और देन ए बी का जीसीडी हमने क्या प्रूव करना है, सी शो करना है। यहाँ पर देखेगा सी आपका ए को डिवाइड करता कोई ना कोई आंसर आएगा, सी बी को डिवाइड करता कोई ना कोई आंसर आएगा, उन आंसर का जीसीडी भी 1 दिया हुआ है, उन आंसर का जीसीडी भी 1 दिया हुआ है, हमने ए बी का शो करना, उसको बाद में देखते हैं, पहले हम इसी के ऊपर चलते हैं हमारे पास जो गिवन डाटा है। ठीक है, इसका प्रूफ करते हैं। हमारे पास गिवन है दैट इज C डिवाइड करता है A को, C डिवाइड करता है B को, उसी फंडे के अकॉर्डिंग यदि C A को डिवाइड करता है तो A क्या होगा, फैक्टर ऑफ C होगा, दैट इज़ A इज इक्वल टू सम नंबर L इंटू C के इक्वल होगा, एंड C B को डिवाइड करता है, इसका मीनिंग क्या होगा, B इज मल्टीपल ऑफ C, दैट इज़ सम M होगा, L और M आपके पास कैसे हैं, इंटीजर को बिलोंग करते हैं, और हम यहाँ पर लिख सकते हैं हेयर L की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, L इज इक्वल टू A over C, M is equal to B over C, mark it as just star, कोई फर्क नहीं पड़ता। Now come here, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर क्या है, We have, हमारे पास क्या है, A over C, B over C का GCD 1, अरे वाह, A over C और B over C का GCD 1, इसका मीनिंग यही तो वैल्यूज है, which implies L, M का GCD कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अरे एल और एम का जिसरी 1 है, हमें जाना कहाँ तक है, ए बी तक जाना है, उसको बाद में करते हैं, हम थोड़ा सा मजे लेते हैं, हमें जिसरी की डेफिनेशन आती है तो हम वो डेफिनेशन यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। इसका मीनिंग क्या होगा, तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट हमारे पास एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एल एक्स प्लस एम वाई का जिसरी भी कितना होगा, 1 होगा। लेकिन अब थोड़ा सा रुकते हैं, हमें प्रूव क्या करना, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है, तो हाउ टू थिंक, हाउ टू रीच हेयर, आपने ए बी का जीसीडी सी करना है, तो हमें पता है कि इसकी डेफिनेशन, इफ इट इज पॉसिबल टू शो इन एनी काइंड और इन एनी वे दैट इज ए एक्स बी बाई इज इक्वल टू सी, यदि हम ऐसा कुछ शो कर पाए कि हमारे पास ए बी के लिए ऐसे इंटीजर है एक्स एन वाई कि देयर लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू सी, इन दैट केस वी कैन से दैट ए बी का जीसीडी कितना होगा, सी। हमारा ये टारगेट है, इसको माइंड में सेट कर लेना है, हर एक पॉइंट कैसे आएगा, थोड़ी सी डेस्टिनेशन की जांच कर लेनी है कि हमें पहुंचना कैसे है, फिर से प्लान करेंगे, तो प्लानिंग क्या है कि हमें ऐसे पहुंचना है इस वर्क पर, तो हम जहां तक तो पहुंच चुके, एक्स वाई मेरे पास है, तो मुझे एक ऐसी एंट्री करवानी चाहिए, एक ही एंट्री कैसे हो सकती है, थोड़ा सा माइंड को देखना, अभी देखना, मुझे ए चाहिए, मुझे ए चाहिए, मेरे ए तो सी एल की इक्वल है, एल तो मेरे पास है, मुझे जहां पर बी चाहिए, ओके बी तो सी एम के इक्वल है, एम तो मेरे पास है, अरे सी तो कॉमन फैक्टर है, तो क्या क्यों ना हम सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर सी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपके पास सी एल एक्स सी एम वाई इज इक्वल टू सी हो जाएगा, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी एल फ्रॉम अबव, तो विच इम्प्लाइज ए एक्स आपके पास आ जाएगा, सी एम की वैल्यू कितनी है, बी है, तो बी वाई आपके पास कितना हो जाएगा, सी, अरे वाह, दिस तो हमारी डेस्टिनेशन है। सो यहाँ पर आपकी बुक में जो अलग वे में किया होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी जा सकते, लेकिन इट इज़ अ डेफिनेशन, तो हम इसी से भी करेंगे, बिकॉज हमने अब तक इसको अप्लाई किया है, तो जहाँ पर हम क्या करेंगे, तो देयरफॉर बाय डेफिनेशन, आप लिख देना बाय डेफिनेशन ऑफ जी सी डी, हमारे पास क्या होगा, ए कॉमा बी का जी सी डी कितना होगा, सी होगा, तो जहाँ तक हमारा डन हो चुका है। अभी वो जो अनाउंसमेंट है उसे हम कर लेते हैं, यहाँ पर डन, तो ये नंबर थ्योरी का अभी आई थिंक 9th पार्ट होगा मेरे पास, तो शायद इतना पार्ट है, और मेरे कल भी मैंने नंबर थ्योरी शो डन की थी, और आज भी नंबर थ्योरी एनालिटिक ज्योमेट्री मैं कर रहा था, लेकिन उसको मैंने थोड़ा सा पेंडिंग कर दिया, छोटा सा फंडा आपसे थोड़ी सी डीलिंग करते हैं, तो इस वीडियो को मैंने जैसे लाइक किया तो आपके पास 24 आवर्स होते हैं बिकॉज नेक्स्ट वीडियो को करने के लिए, तो आप एक छोटा सा काम करना, मुझे पता है कि आपके हर एक क्लास में 20 का बैच होता है, 30 का बैच होता है, 15 का बैच होता है, तो यदि आप एक बच्चा हो अपने कॉलेज में जो इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपको सिंपल सा काम करना, किसी से शेयर करनी है नहीं करनी वो आप सोचेगा, आपको इस वीडियो को टोटल, मेरे को जो टोटल लाइक चाहिए अभी वीडियोस पर, बच्चे लाइक तो करते नहीं, देख कर चले जाते हैं, तो अभी मुझे पैसे की भूख नहीं है, मुझे लाइक चाहिए सिंपल, ठीक है, आप जो कुछ भी करें, तो जैसे इस वीडियो के ऊपर मिनिमम 100 लाइक हो जाते हैं, 100 बहुत कम होते हैं, 100 लाइक्स में बहुत सिंपल सा फंडा है, आप यदि 10 बच्चे अलग अलग कॉलेज में हैं, तो
वो एक एक बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लीजिए और 100 लाइक्स तो ऐसे हो जाएंगे। एक बच्चा 10 लाइक करवा दे, किसी भी तरह से करवा दो। एक तो आप करोगे, आपके घर में कोई और फ़ोन होगा वहाँ से आप कर सकते हो, आपके घर में दो फ़ोन तो होते ही हैं तो वहाँ से वीडियो को देखेगा, लाइक कर दीजिएगा, 3 लाइक हो गए। आपके कोई फ्रेंड तो होगा, आपका क्लासमेट तो होगा, उससे लाइक करवा दीजिए। सो जैसे ही आप जहाँ पर 100 लाइक, तो मैं अभी 100 नहीं करता, मैं सिंपल से करता हूँ 50 से 100 कर देता हूँ। दिस इट इज़ अ वेरी मिनिमम लाइक्स। लोग, मैंने देखा वीडियोस पर लोग बोलते हैं कि 4000 लाइक, 5000 लाइक, 10000 लाइक, और वो बच्चे करते हैं वहाँ पर, उनका रिलेशन है टीचर के साथ। पता नहीं, मेरे को समझाना नहीं आता, टीचर नहीं करना आता, कोई फ़र्क नहीं। लेकिन जहाँ पर सिंपल से हम भी स्टार्ट करेंगे स्ट्रेटजी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको फ्री में सब कुछ देना है, आपको फ्री में पढ़ना है ना। जहाँ से यदि फ्री में पढ़ना है तो आपको छोटा सा काम करना पड़ेगा, छोटी सी एफर्ट आपको भी करनी पड़ेगी। यदि मैं यहाँ पर आपके लिए रेडी करता हूँ 30 मिनट की वीडियो, जो कुछ भी है 20 मिनट की वीडियो, और मेरा प्लान है कि मैं नंबर 3 को और अच्छे करवाऊँ, तो एफर्ट दोनों तरफ से होने चाहिए। तो मेरे भी माइंड में आया कि बच्चों से भी कुछ करना है, तो बच्चों से पैसे नहीं लेने, अभी बच्चों ने क्या करना है, लाइक देने यहाँ पर। तो यदि हमारे पास इस वीडियो के अंदर 50 और 100 के बीच लाइक आ जाते हैं, तो आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए बोलना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो आपके डोर पर होगी, आपकी नोटिफिकेशन में आ जाएगी। सो आपको क्या करना है, 50 से लेकर 100 लाइक यहाँ पर होने चाहिए, ठीक है। तो जी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यदि आपने देखा कि वहाँ पर लाइक नहीं है तो आप खुद कहीं से भी करवा लो, आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी, वो मेरी टेंशन होगी, ठीक है। तो दिस इज द डील बिटवीन अस, टू मूव टू द नेक्स्ट वन। सो से स्माइल, कोई टेंशन नहीं है, इट इज़ अ वेरी सिंपल फिनोमिना ऑफ द अवर लाइफ। एक हाथ से देना है तो एक हाथ से लेना भी पड़ेगा, ठीक है। तो इट इज़ नॉट अ मनी, इट जस्ट अ लाइक। You can do this. I believe on you. ठीक है, so move to the next one. This third example हमारे पास, every two consecutive integers are co-prime. Every two consecutive integers are co-prime. अरे वाह, क्या आसान है। तो जहाँ पर co-prime की definition पता होने चाहिए, तो सबसे पहले उसे लिख लेते हैं। We know that two integers, हमारे पास कोई भी two integers है, x and y, are said to be, आप उसको रिलेटिवली को प्राइम बोल सकते हो, रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम, आर सेड टू बी को प्राइम कर्व कह सकते हो। इफ देयर जीसीडी इज इक्वल टू वन, इफ देयर जीसीडी इज इक्वल टू वन, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ को प्राइम, ये हमें आनी चाहिए, ठीक है। नाउ लेट हमारे पास n, n+1, दीज आर टू कॉन्जिक्यूटिव है, हमारे पास टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, हमारे पास दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, तो हमारा टारगेट क्या होगा, हमने शो करना है एवरी टू, तो हमारा टारगेट होगा इन दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का जीसीडी हमने वन शो करना है। लेकिन वन कैसे करते हैं, तो हमने लेट कर लेना है n, n+1 का जीसीडी कितना है, डी है। इसका मीनिंग डी आपका एन को भी डिवाइड करेगा, डी आपका n+1 को भी करेगा, इसका मीनिंग d आपका इन दोनों की सब्ट्रैक्शन को भी करेगा। अभी आप इसे पहले लिख लो, जाए इसे पहले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं इसे लिख लेता हूँ। इसका मीनिंग d इन दोनों की सब्ट्रैक्शन को भी करेगा, सब्ट्रैक्शन को करेगा। अरे वाह, d तो 1 को डिवाइड कर रहा है, अब 1 को डिवाइड करता है तो d की दो च्वाइसिस हो सकती है, +-1। लेकिन हमने d को क्या कंसिडर किया है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, दो डिवाइजर है, हमारे पास ग्रेटर कौन है, दैट इज प्लस है। तो वैसे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा प्लस का ही होता है, बिकॉज ग्रेटेस्ट नंबर तो पॉजिटिव नंबर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन द नेगेटिव, सो विच इंप्लाइज d इज इक्वल टू 1। तो हैंस हमने क्या प्रूव कर दिया कि n, n+1 का जीसीडी 1 होता है। इसका मीनिंग हमने क्या प्रूव कर दिया, एवरी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर को प्राइम। सो सिंपली स्माइल, पॉज द वीडियो, राइट ऑन योर नोटबुक, ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर एग्जांपल है वो है, प्रूव दैट वन ऑफ एनी थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 3। वन ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव, 3 की बात की है, तो प्रूफ कैसे करना, थोड़ा सा स्पीड को अच्छा करते हैं, एनर्जी के साथ करते हैं। तो कंसीडर कर लेना, यहाँ पर कंसीडर करना हमें 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, कंसीडर n, n+1 and n+2 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, आर 3 कॉन्जिक्यूटिव हमारे पास क्या है, इंटीजर्स हैं, ठीक है।
अभी इंटीजर्स है, हमारा टारगेट है कि थ्री इनमें से किसी एक को डिवाइड एवरी टाइम करेगा। आप दुनिया के कोई भी थ्री उठा लो, आपने वन टू थ्री उठाया तो थ्री ने थ्री को डिवाइड कर दिया, आपने टू थ्री फोर उठाया तो थ्री ने थ्री को डिवाइड कर दिया, आपने सिक्स सेवन एट उठाया तो थ्री ने यहाँ पर सिक्स को करना है डिवाइड, ना कि सेवन और एट को। तो थ्री उनमें से सिर्फ एक ही को करेगा, वो रीजन हमने यहाँ पर बताना है, ठीक है। वैसे हमने शो करना एग्जाम्पल्स के साथ तो हमें क्लियर है, ठीक है। तो अब इसका मीनिंग क्या, हमारे पास थ्री कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर है, हमने सबसे पहले तो इन तीनों की प्रोडक्ट को थ्री डिवाइड करना चाहिए। इसका मीनिंग जब ये थ्री की प्रोडक्ट को करता है, इसका मीनिंग वन ऑफ देम को करता है, इसीलिए प्रोडक्ट को करता है, ठीक है। वन ऑफ देम को किया था इसीलिए प्रोडक्ट को करा, तो हम प्रोडक्ट तक पहुंच सकते हैं। जैसे कैसे पहुंच सकते हैं, यहां पर लिखना बी नो दैट, हमें पता है बी नो दैट प्रोडक्ट जो होती है हमारे पास, बी नो प्रोडक्ट ऑफ एम कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ एम कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल होती है, इज डिविजिबल बाय एम फैक्टोरियल। तो देयरफॉर हियर हमारे पास क्या होगा, थ्री फैक्टोरियल डिवाइड करेगा एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू को, बिकॉज थ्री नंबर्स है, थ्री की प्रोडक्ट को एन थ्री फैक्टोरियल करेगा। इसका मीनिंग थ्री फैक्टोरियल होता है सिक्स, इसका मीनिंग सिक्स डिवाइड करेगा एन इंटू एन प्लस टू नो। एंड हमें पता है कि जो थ्री नंबर है वो सिक्स को डिवाइड करता है, सिक्स इनको करता है, थ्री सिक्स को करता है। तो आपको पता ना ट्रांसिटिविटी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा, थ्री जंप करेगा इसको डिवाइड करने के लिए, तो इसका मीनिंग थ्री डिवाइड करेगा एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू को, तो थ्री इन तीनों की प्रोडक्ट को करेगा, ठीक है। हमने एक रिजल्ट किया था, वैसे वो दो के लिए था, कि इफ ए डिवाइड बी सी करता और ए इज अ प्राइम नंबर देन ए डिवाइड वन ऑफ देम, ए आपके पास प्राइम नंबर है तो ए जहां बी को करेगा जहां फिर सी को करेगा, दोनों को नहीं करेगा। फिर से सुनेंगे, इफ ए इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर देन हमारे पास ए डिवाइड्स वन ऑफ देम डेफिनेटली, एटलीस्ट वन को करेगा, जहां पर एटलीस्ट वन वर्ड यहां पर आएगा। और हमने भी उन्होंने बोला कि एन वन ऑफ एनी थ्री, वन ऑफ एक को तो करेगा करेगा, अब जो थ्री को करता है तो सिंपल सा फंड है, साथ में लिख दीजिएगा एंड थ्री इज प्राइम नंबर है, थ्री इज प्राइम नंबर, तो देयरफॉर इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग तो देयरफॉर थ्री आपका क्या करेगा, थ्री डिवाइड्स एटलीस्ट वन ऑफ दिस नंबर, देयरफॉर थ्री डिवाइड्स एटलीस्ट, एटलीस्ट वर्ड यहां पर आ जाएगा, एटलीस्ट वन ऑफ दिस नंबर्स। तो यही तो हमने प्रूफ करना था यहां पर, ठीक है। तो दिस कॉन्सिक्यूटिव नंबर थ्री किसी ना किसी एक को जहां पर जरूर डिवाइड करेगा, किसी ना किसी कम से कम एक को करेगा, जहां पर एनी वन ऑफ थ्री मीन वन को करेगा। सो दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ टुडे। यदि आपने वही लाइक वाला जो हमने डील की थी, यदि आप उसके साथ ही मानते रहेंगे, तो आपको ऐसे फाइव फाइव एग्जाम्पल के, फाइव के, सिक्स के, सेवन के, जो भी आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे वो सारे आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज मुझे नहीं पता कि क्या होगा इन फ्यूचर, ठीक है। सो मैं आपके साथ हूँ, लेकिन आपको मेरे साथ होना पड़ेगा, तभी काम बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या प्रूव करना है, इफ हमारे पास ए एंड बी आर टू नॉन जीरो इंटीजर्स हैं हमारे पास, तो हमने प्रूव क्या करना है कि जीसीडी ऑफ टू ए माइनस थ्री बी एंड फोर ए माइनस फी इसको डिवाइड करता है, बी को डिवाइड करता है, इसका जीसीडी बी को डिवाइड करता है, लेट्स सी। तो हमने क्या करना है, लेट कर लेना डी इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ दिस टू नंबर, ठीक है, इन दोनों का जीसीडी है। तो जैसे कंसिडर किया बाय डेफिनेशन क्या होगा, डी इस नंबर को भी डिवाइड करेगा, और बाय डेफिनेशन डी आपका इस नंबर को भी डिवाइड करेगा। लेकिन हमें शो करना है कि डी बी को डिवाइड करे, इसका मीनिंग हमें पता है कि डी इन दो नंबर को तो करेगा और इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन को भी करेगा, लीनियर कॉम्बिनेशन को भी करेगा, तो आप इनके प्लस कर लो और माइनस कर लो। लेकिन हमें सिर्फ बी चाहिए, तो हमें इस टू ए को हटाना पड़ेगा। तो जी हम कैसे करते थे, इसका कोफिशिएंट सेम कर लो ए के साथ, दोनों को माइनस कर लेना, तो अपने आप ए एलिमिनेट हो जाएगा, जो बचेगा वो हमारे पास बी बच जाएगा। तो इसका मीनिंग अब कोफिशिएंट कैसे इक्वल करना, जहां पर फोर है जहां पर टू, तो टू से मल्टीप्लाई कर दो। डी इस नंबर को करेगा तो इसके हर एक फैक्टर को करेगा, मीनिंग टू इंटू टू ए माइनस थ्री वो को भी करेगा, इसको करता था साथ में जो मर्जी मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पास। इसका मीनिंग क्या होगा, अब डी इन दो नंबर को करता तो दोनों की सब्ट्रैक्शन को भी करेगा, तो आप क्या करो किसी को भी कर लो, यहां पर टू इंटू टू ए माइनस थ्री वी, और हमारे पास क्या है माइनस, यहां से आप किसको माइनस करना चाहेंगे वो आप पर डिपेंड करता है, जहां पर माइनस सिक्स आ जाएगा तो हम क्या करते हैं इस नंबर को माइनस कर देते हैं इस नंबर में से, तो आपको
किसी भी तरह से कुछ हम कर सकते हैं। तो दो मेथड्स है, या फिर आप उसमें से कर लो या उसमें से। तो हम ऐसे करते हैं कि ये माइनस का है, इसको पहले लिख लेते हैं और इसको बाद में कर देते हैं, माइनस टू इंटू टू ए दोनों को करेगा, ठीक है। तो ऐसा मैंने लिख दिया। ऐसा करने पर क्या बनेगा हमारे पास, फोर ए माइनस फाइव बी माइनस के फोर ए एंड प्लस के सिक्स बी। अरे वाह, फोर से फोर कैंसिल, तो डी डिवाइड बी। इससे हमारे पास क्या हुआ, डायरेक्ट शो हो गया कि डी डिवाइड बी को डिवाइड करता। तो इस तरह से आपने माइनस का साइन दिला, बिकॉज वो उस तरह से करते तो माइनस बी आ जाता, इन दैट केस आपका डी ओ माइनस बी को डिवाइड करता, तो इसका मीनिंग बी को तो करता करता, ठीक है। ये हमारा एक पार्ट प्रूफ हो चुका है। उसके बाद हमें इस रिजल्ट को भी प्रूव करना है, ठीक है, जहां पर ध्यान से देना इस रिजल्ट को भी। लेकिन ये कैसा है, इसका डी जिसलिए हमारे पास वन होना चाहिए, और हमारे पास क्या है, यदि दोनों को हम कंपेयर करें तो जहां पर थ्री था और बी था, बी वहां पर नहीं है, वहां पर प्लस का साइन आ गया, जहां पर फाइव के साथ बी था वहां पर नहीं है। इसका मीनिंग टेक बी इज इक्वल टू, हमारे पास कितना, माइनस वन। तो जैसे हमने माइनस वन लिया, इसका मीनिंग हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये सारी की सारी इक्वेशन बन जाएगी। तो देयर फोर दिस टू, इसको मैं बता दूँ, टू ए माइनस थ्री बी एंड फोर ए माइनस फाइव बी इज इक्वल टू, हमारे पास जैसे आपने b को माइनस वन किया, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का थ्री हो जाएगा, जहाँ पर फोर ए प्लस बी हो जाएगा। इसका मैंने इसका जीसीडी इसके जीसीडी के इक्वल होगा, एंड इट इज होल्ड फॉर एवरी ए एंड बी विच आर द नॉन जीरो नंबर्स। इसका मीनिंग इसका जीसीडी कितना था, d था। इसका मीनिंग इसका जीसीडी कितना हो जाएगा, d हो जाएगा। एंड हमारे पास d डिवाइड किसको करता है, इसका मीनिंग दोनों के जीसीडी इक्वल है, तो j कंडीशन भी आपकी होल्ड करेगी। तो देयरफॉर हम यहाँ पर लिखेंगे, तो देयरफॉर आपका जो भी जीसीडी है विच डिवाइड्स b, दैट इज d डिवाइड माइनस वन को करेगा, बिकॉज b हमने कितना पुट करा है, माइनस वन। इसका मीनिंग क्या होगा, d के पास दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, प्लस माइनस वन। लेकिन हमें पता है d हमारा क्या है, gcd है, तो इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। हेयर हमें पता है कि जो d होता है वो ग्रेटर देन जीरो होता है, तो देयरफॉर d कितना होगा, वन होगा हमारे पास। अभी दोनों का gcd सेम है, इसका मीनिंग क्या होगा हमारे पास, टू ए प्लस थ्री, 4a प्लस फाइव का जीसीडी भी d था, लेकिन d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 हो जाएगी, एंड हैंस वी प्रूव दिस रिजल्ट। आप इसको अपनी कॉपी पर लिख लेना। तो हमने यही प्रूव करना था, इसका जीसीडी कितना होना चाहिए, 1, एंड हेयर वी नीड टू प्रूव दैट d डिवाइड्स b करेगा। तो इसके साथ आज 5 क्वेश्चन का आपका एक सेट हो गया, और आपको लगेगा कि जस्ट आपने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं, और जो क्वेश्चन सिमिलर है वो खुद आप ट्राई करते रहना, ठीक है, बिकॉज एवरी क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज एज वेल एज एग्जाम्पल इज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व हेयर ऑनलाइन, ठीक है। बट मैं आपको डायरेक्ट कर सकता हूँ, आपको डेप्थ में नॉलेज दे सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ, नॉलेज नहीं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन करना आपको खुद है। सो वो डील को आप जा रखिएगा, मैं वेट करूँगा, जैसे मेरे जो लाइक वो 50 से क्रॉस हो गए तो आपको एक बहुत अच्छा यहाँ पर लेक्चर मिल जाएगा, अदरवाइज आपको वेट करना पड़ेगा। करता तो रहूँगा लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा लॉन्ग टाइम के लिए। उसके इन बिटवीन मुझे और बुक्स की जो ऑफ बच्चों की सजेशन है या रिक्वेस्ट है, मैं उनके साथ काम करना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करेगा कौन बच्चे मेरे साथ सपोर्ट करते, तो मैं उनसे ज़्यादा उनके लिए ज़्यादा बेटर करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्माइलिंग, नथिंग एल्स, ठीक है। लाइफ है, चिल करिएगा, सब कुछ हो जाएगा। थैंक एंड टेक केयर ऑफ योर प्यारी सी स्माइल। बाय बाय।